मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चल में। पत्नी की एक किडनी बेचने की जिद पर अड़ा पति, परेशान होकर पहुंच गए पुलिस थाने। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ आप तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये जो पूरा मामला हमारे सामने केरल से आ रहा है, जैसे कि आप लोग को पता है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और पति पत्नी जो है वो मंडप में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और 7 जन्मों तक अपना बंधन जो है वो बांध लेते हैं और पति पत्नी जो है पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताते हैं और उसी बीच में अगर पत्नी को कुछ मुश्किलें आती हैं तब पति हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और पति को कुछ मुश्किलें आती हैं तब पत्नी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। यही एक जीवन साथी का एक बंधन होता है जो कि हर एक पति पत्नी निभाते हुए नजर आती हैं। पर इसी बीच में अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ चीजें ऐसे करने के लिए कुछ लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने के बाद कुछ लोग उतार नहीं पाते हैं। वैसे ही केरल में एक पति ने भी कर्जा लिया 4 लाख रुपए का और उसको उतार नहीं पाया और उस दौरान ही वहां पर अपनी पत्नी को वो कर्जा उतारने के लिए उसकी किडनी बेचने के लिए बोलने लग गया कि वो दान में दे दे, उसकी किडनी जो है वो बेच दे। जिसके बाद पत्नी ने किडनी बेचने से इनकार कर दिया, जिसके चलते हुए पति ने जो है काफी ज्यादा गुस्सा किया और मारपीट की और उसके बच्चों को भी काफी ज्यादा मारा, जिसके कारण परेशान होकर पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि केरल में डोनर चाहिए था और उसकी पत्नी के साथ वो मैच कर रहा था और उसी दौरान ही पति को 4 लाख रुपए का जो कर्ज है वो चुकाना था और वो किडनी के बदले उसको 9 लाख रुपया मिल रहा था। इसी कारण से वो अपनी पत्नी को जो है वो इस कांड में शामिल कर रहा था और उसकी पत्नी की किडनी बेचना चाहता था। इसके आधार पर अभी पुलिस वालों ने उसके ऊपर FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।